will run, I will climb, I will soar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक डोर हैंगिंग बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं इस तरह का एक बेस तैयार करा है मैंने, और जिसकी चौड़ाई फ्रेंड्स मैंने रखी है 3 इंचेस की, और लंबाई मैंने रखी है 40 इंचेस की है। और इस पर मैंने 3 हुक लगाए हैं, और इसको मैंने पूरा स्टिच कर दिया। इसमें फ्यूजिंग लगाया है अंदर, और उसको पूरा अच्छे से स्टिच कर दिया है। इसको मैंने गोटा पत्ती जो होती है, जो बेल्ट आती है, उसको मैंने अच्छे से स्टिच कर दिया है। इसके बाद में जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो कुछ इस तरह से है कि मैं इसमें 2 कलर के फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ। कुछ ये ग्रास है ग्रीन कलर की, उसके बाद में स्क्वायर रिंग्स हैं फ्रिल वाली, ये 3 इंच साइज में है। सबसे पहले हम अपनी गोटा पत्ती के ऊपर अपनी ये जो स्क्वायर वाली रिंग है उसे सेट करेंगे। तो जो सबसे नीचे वाला एरिया है, जहाँ हमारी वो कंबूरे वाली लेस है, वहाँ इसको पेस्ट करेंगे। आप इसे चाहो तो स्टिच भी कर सकते हो, वो अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। उसके बाद में ये 2 कलर के मैं इस पर फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी कलर इसमें ले सकते हो, सिंगल कलर में भी अगर आप चाहो तो इसे बना सकते हो आराम से। तो यहाँ ग्लू लगा के इसको अच्छे से फिंगर की मदद से टैप कर दीजिए, और इसको अच्छे से सेट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो जाने के बाद में अभी हमारे पास ये लोटस का MDF है, तो इसमें आप 1/2 इंच का दोनों साइड पे स्पेस रखिएगा। और ये 3 इंच में है, आपके पास जो भी साइज है 3 इंच या 4 इंच, आप उस हिसाब से बना सकते हो। इसको हम बेस के ऊपर पेस्ट करेंगे। साइज दोनों जो हमें डिफरेंस रखना है वो हमें 1/2 इंच का रखना है दोनों साइड पे। इस तरह से इसको फिंगर की मदद से इसको पकड़ के रखिएगा, वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। बेस हम इस तरह से तैयार करेंगे पूरा, कि एक रिंग आएगी, उसके बाद में एक लोटस का MDF आएगा। और सबसे पहले हमने जो लाइट कलर वाला फ्लावर है ये वेलवेट में है वो लगाया, उसके बाद में जो डार्क कलर वाला फ्लावर है वो लगाएंगे इसके। और इसके अंदर जो अपनी स्टिक आती है इसकी फ्लावर्स की, उसको कट कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से सेम हम अपना पहले इसको तैयार करेंगे बेस को। और हाँ, इसको मैं थोड़ा ग्रास लगाना भूल गई हूँ, तो हमारे जो फ्लावर्स हैं उसको ग्रास लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड पे एक एक स्ट्रिप ले लीजिए, और इसको यहाँ पे अपने आराम से पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास में ये ग्रास नहीं है, अगर आपके पास में ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं तो आप उसे भी लगा सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के पास में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कीजिए तो आने वाले वीडियो की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी को जल्दी जल्दी करते हुए अपना पूरा जो हमारा ये बेस है उसे तैयार कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी और क्विक बनने वाला, बस इसका जो टाइम लगा सबसे ज़्यादा, हमारे जो बेस हमने तैयार करा है गोटा पत्ती से, उसको मैंने स्टिच करके बनाया है। आप चाहो तो उसे भी पेस्ट कर सकते हो। तो पहले अभी जो हमारा सेंटर पीस है उस पर दोनों साइड हम ग्रास लगाएंगे, और फ्लावर के ऊपर भी इसको अच्छे से ग्लू लगा देंगे। बेस के ऊपर भी लगाएंगे और फ्लावर के ऊपर भी, तो इसे ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो हाफ पोर्शन भी सेम तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ कुंदन्स हैं जो हमारी जो ये लोटस का MDF है, तो बड़ा वाला हम नीचे की साइड पे लगाएंगे, छोटा वाला ऊपर की साइड पे लगाएंगे। और इसको पूरे जो बेस है हमारा, उसको पूरे को इसी तरह से जितना भी MDF है लोटस के, उनको सबको कवर कर देंगे। और ये अगर आप चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो, जब हम यहाँ पे लटकन लगाएंगे तो उसके बाद में भी इसको आप लगा सकते हो। अभी इसके बाद में फ्रेंड्स, हम साइड की लटकन बना रहे हैं। उसके लिए ये मैं रिंग ले रही हूँ स्क्वायर वाली, जो अभी हमने वहाँ यूज़ करी है वही है ये।
उसको यूज़ करने के बाद में यहाँ पे अपना थ्रेड को कर देंगे, स्क्योर करेंगे, और ये एक लॉन्ग बीट कैप है वो लेंगे, उसके ऊपर मैं सेकंड बीट कैप यूज़ कर रही हूँ। इसको मतलब हमें डिस्टेंस थोड़ा सा इसका बढ़ाना है, इसलिए आप अगर आपके पास इस लंबी वाली जो गोटा रिंग आती है वो गोटा बॉल आती है अगर आपके पास वो है, आप उसमें वो भी यूज़ कर सकते हो। इसको अपना बीट कैप को आप बीट के ऊपर सिक्योर कर दीजिएगा मोती के ऊपर अच्छे से। और इसके ऊपर हम अपना जो लोटस का एमडीएफ है वो इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखिए अभी हम यहाँ पे जो दूसरी वाली हमारी स्क्वायर रिंग है ना, जो साइड वाली है बिल्कुल कॉर्नर वाली, वहाँ इन दोनों को आपस में पेस्ट कर देंगे, स्टिच कर देंगे, इनको पेस्ट नहीं करेंगे स्टिच कर देंगे यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे सिक्योर करेंगे। और सिक्योर करने के बाद पे फ्रेंड्स उस पर हमारा जो रिंग साइड वाली रिंग है वहाँ पे लोटस का एमडीएफ लगा देंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो गोटे वाली बॉल है, यहाँ जो अंगूरी गुच्छी आती है वो मैंने गोटे वाली बॉल के ऊपर इसको लगा दिया है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ उसे, और इस तरह से इसके ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो साइड की रिंग है वो इस तरह से मतलब हैंगिंग्स हैं वो इस तरह से तैयार हो जाएंगे। दोनों साइड पे अपना कुंदन भी लगा दीजिएगा, और ये कुंदन हमने ऊपर की तरफ भी लगा दिया है थ्रेड को कवर करने के लिए। इस तरह से हमारा पूरा बेस तैयार हो जाएगा। अभी हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। फाइनल लुक में भी फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये लटकन हमने बनाई है खुद से, ये भी सॉरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बहुत जल्दी में बना था ये तोरण मेरा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो।